है कि मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ इनको, हम साथ में ही काम किए हैं। मैं बोली अच्छा, तो उन्होंने बोला व्हाई डोंट यू एक्सचेंज नंबर्स, और आप क्यों नहीं बात करते इनसे। तो मैं भी सिंगल था, मैंने बोला क्यों नहीं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो एक्चुअली भाभी ने हमारा क्यूपिड प्ले किया हम दोनों के बीच में, उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस करवाया इन द सेंस कि उन्होंने नंबर एक्सचेंज करवाया क्योंकि मेरा नंबर नहीं था। और फिर हमने बातचीत करी एंड देन हमने एक दूसरे के बारे में जाना, परखा, थोड़ा हम घूमे साथ में, एंड देन धीरे 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 देन इवेंचुअली हमें पता चला कि येस देर इज़ समथिंग बिटवीन अस एंड वी कैन वर्क थिंग्स आउट फॉर अस आर सेल्व्स। और फिर आई प्रपोज टू हर। जैसे कि यहाँ पे लग रहा है आप लोगों ने गुब्बारे वगैरह भी लगा हाँ रखे जी हैं, हाँ जी वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहे हाँ हैं, तो जी फिर हाँ वो क्या जी गिफ्ट देंगे आप लोग वैलेंटाइन अभी वो तो स्पेशल गिफ्ट्स हैं, डिस्क्लोज किए जाएंगे अभी थोड़े दिन में अभी, क्योंकि मैंने गिफ्ट रैप करके लाई हैं कुछ चीज़ें, इनकी जो फेवरेट चीज़ें हैं दुनिया से, बट इनफैक्ट मैंने बाहर से मंगवाई है, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट चीज़ टू, मिलती नहीं इंडिया में। तो अब 5 मिनट में ज़रा खुलासा करेंगे उसका कि क्या है। मिताली जी, इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था, द काइंड ऑफ पर्सन आई वॉज, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि हम दोनों में मैं हूँ हु इज़ मोर थॉटफुल एंड बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस प्लान करना ये सब चीज़ें। पर सिंस द टाइम वी गॉट मैरिड, तब से मैंने ये नोटिस किया है कि ये कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ते हैं जब ये मुझे सरप्राइज़ ना करें, चाहे वो हमारा, चाहे वो मेरा बर्थडे हो, चाहे हमारी एनिवर्सरी हो, चाहे वैलेंटाइंस डे हो, चाहे हमारी चाहे हमारी डेटिंग एनिवर्सरी हो, मतलब हर डेट इन्हें याद होती है और वो मेक श्योर करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों का, अगर कुछ बड़ा सेलिब्रेशन ना भी हो हमारे घर में, बट कुछ ना कुछ छोटे तरीके से मुझे सरप्राइज़ करते हैं और वो दिन मेरे लिए स्पेशल बना देते हैं। तो आई एम रियली होपिंग, और उनकी बहुत आदत है कि मतलब बहुत बड़ा सोचते हैं कुछ, जैसे कि अभी उन्होंने बोला कि दिस समथिंग दैट इज गॉट फ्रॉम आउट, जो कि यहाँ मिलता नहीं है। तो मतलब आई एम रियली एक्साइटेड। और खैर वो तो बैकग्राउंड उसका कि कहाँ से मिला, कैसे मंगवाया, किससे मंगवाया, कब मंगवाया, ये सब आज वैलेंटाइंस डे ख़त्म होने के बाद होगा, बट आज के दिन तो मैं वो गिफ्ट, आई एम एब्सोल्युटली एक्साइटेड कि क्या लेकर आए मेरे लिए। अब तक की लाइफ का कोई ऐसा प्यारा पल जो आपको कभी नहीं भूले, आप उसे अगर शेयर करना चाहें? बहुत सारे हैं, आई बहुत सारी चीज़ें, बट एक जो बहुत स्पेशल चीज़ है, जैसे मुझे आप देखेंगे तो मुझे टैटू का बड़ा शौक है, और फॉर मी ये एक टैटू इज़ नॉट सिर्फ एक स्टाइल या फैशन के लिए नहीं किया जाता है, बहुत से लोग हैं जो नौजवान हैं उनको सोच समझ कर आप एक क्यों टैटू बना रहे हैं, आप एक बॉडी के साथ अपने, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, तो वो क्यों करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जैसे हमारी शादी के दिन मुझे सरप्राइज़ मिला कि मिताली ने मेरे लिए एक टैटू बनवाया, बिकॉज़ मुझसे मिलने के पहले उनको टैटू से नफरत थी, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो ऐसे इंसान के साथ प्यार कर सकते हैं जो अपने बॉडी के साथ खिलवाड़ करते हैं। बट आफ्टर मेरे मिलने के बाद जब मैंने बताया कि हम क्यों टैटू करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस, वो जर्नी क्या होती है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे बारे में, तब उन्होंने बोला कि हाँ इट मेक सेंस, एंड शी गेव मी द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। आप जैसे देख रहे हैं कि भगवान की दया से मूछें बड़ी अच्छी दी है, राजपूत खून है। तो उन्होंने ये से मुस्टैश अपने